पापा मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ पर बॉयज मुझे खेलने ही नहीं देते। कहते हैं कि चोट लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तुम कमजोर हो। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा कि तुम क्रिकेट खेलो, पर मेरे इतने ढूंढने पर भी लड़कियों के लिए कोई एकेडमी नहीं मिल रही है रोहतक में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। पापा मैं बाल कटवाकर लड़का बन जाऊँ, फिर बॉयज मुझे उनके साथ खेलने देंगे। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। इसके बाल छोटे कर दो, बिल्कुल छोटे। इसे मुझे एक दिन बड़ी क्रिकेटर बनाना है। वैसे इस फिल्मी कहानी की शुरुआत 2013 में ही हो चुकी थी, जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे रोहतक में। मैच के दौरान चीयर करती हुई एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची सचिन सचिन चिल्ला रही थी। वो 9 साल की बच्ची कोई और नहीं, हमारी शेफाली वर्मा थी। अब ये किससे पता था कि सचिन को खेलता देख शेफाली भी एक दिन सचिन के जैसे खेलने के सपने देखने लगेगी। छोटी सी शेफाली ने एक दिन पापा को बोला, पापा मुझे भी प्रैक्टिस के लिए आना है। पापा ले आए शेफाली को प्रैक्टिस के लिए, पर बोला तुम्हें सिर्फ बॉल उठा के लानी है। गेम के प्रति शेफाली की लगन देखते हुए पापा ने कहा, आओ एक दो शॉट्स भी खेल लो। शेफाली ने वो एक दो शॉट्स ऐसे खेले कि आज तक उनके बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्हें खेलता देख पापा समझ गए कि शेफाली में कुछ खास बात तो है। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली तो वो क्रिकेट की दुनिया में काफी आगे जा सकती हैं। पर क्या ये आसान था? क्या रोहतक जैसे छोटे से शहर में लड़कियों के लिए अकेडमी थी? ऑफ कोर्स, जवाब था बिल्कुल नहीं। उन दिनों लड़कियों के लिए रोहतक में क्रिकेट अकेडमी ढूंढना रेत में पानी ढूंढने के बराबर था। बहुत सारे क्रिकेट अकेडमी के दरवाजे खटखटाए शेफाली के पिता संजीव जी ने, पर हर जगह से उन्हें सिर्फ ना ही सुनने को मिली। तंग आकर उन्होंने शेफाली के बाल कटवाने का फैसला लिया। एक एकेडमी में एनरोल भी करा दिया शेफाली को लड़का बनाकर, ताकि वह खेल तो पाए। पर ये बात आग जैसी फैल गई पूरे मोहल्ले में। लोगों के काफी अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें रोहतक के मशहूर राम नारायण अकेडमी में ज्वाइन करने का मौका मिला और शुरू हो गई शेफाली की प्रॉपर ट्रेनिंग। शेफाली का हार्ड हिटिंग टैलेंट देख के कोच अश्विनी कुमार जी ने उन्हें खुद से 4 साल बड़ी एज ग्रुप वाली लड़कियों के साथ खिलाना शुरू किया, और थोड़े समय बाद अंडर 14 बॉयज के साथ खेलने लगी थी शेफाली। इसके बाद शेफाली की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ती गई। 24 सितंबर 2019 के दिन शेफाली ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई। उन्हें अगला मौका मिला 9 नवंबर 2019 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20I खेलने का। सीरीज के पहले ही मैच में 73 रन बनाकर वो भारत की यंगेस्ट प्लेयर बन गई जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्धशतक बनाया हो। ऐसा करके उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जिनसे ली थी इंस्पिरेशन, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत दिखाई शेफाली ने। इस सीरीज में शेफाली ने 158 रन बनाए 5 मैचों में और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनी। इसके बाद शेफाली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2020 शेफाली का इंडियन स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहले ही मैच में शेफाली ने 4 चौकों सहित बनाए 29 रन। इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया, सबको चौंकाया। और फिर शेफाली ने 46 रन का स्कोर भी बनाया, एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। शेफाली सातवें आसमान पर थी, हर जगह छा रही थी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के कमाल दिखा के। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हमेशा सेम नहीं रहता। 8 मार्च 2020 को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शेफाली मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारत को फाइनल्स में 85 रन से हरा दिया। इट वॉज अ टेरिबल डे फॉर टीम इंडिया। पर आपका एक दिन आपके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। शेफाली को पूरे सीरीज में अच्छा खेलने की वजह से बहुत चीजें मिली। पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। इस सीरीज के बाद वो यंगेस्ट प्लेयर बनी जो नंबर 1 बैटर का खिताब हासिल कर सके, और इसी के साथ ICC प्लेयर इन ऑल द फॉर्मेट्स भी बनी नंबर 1 रैंकिंग और सबसे युवा खिलाड़ी जो उस मुकाम तक पहुंची। शेफाली छा रही थी। साल 2021 शेफाली ने जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला अपना पहला टेस्ट मैच, और इस मैच के बाद 3 sixes इन अ टेस्ट मैच का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड तोड़ है शेफाली। शेफाली के इस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और विस्फोटक बल्लेबाजी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर दिल में चाहो और आपको खुद पर भरोसा हो तो आप लड़का हो या लड़की मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब साल 2022 में इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप खेल रहा है। शेफाली की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।